एंड हेलो एंड वेलकम अगेन एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ लवली डे। सो मैं फिर से निकल चुका हूँ एक और फोटोग्राफी एडवेंचर पे और इस समय मैं हूँ हिमाचल में। सो एज़ यू कैन सी मेरे पास लगेज बहुत सारा है। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कैंपिंग करने का। तो मेरे इस साइड में टेंट है, साइड में स्लीपिंग बैग और स्लीपिंग मैट, इसमें खाना वाना और इसमें अपना कैमरा वगैरह है। तो मैं इस बार जा रहा हूँ, अभी तो जा रहा हूँ मैं पराशर लेक, वहाँ पे कैंप करूँगा अगर अलाउड है तो। मुझे पता नहीं उसके बारे में, परमिशन के बारे में, बट होनी चाहिए अलाउड। उसके बाद एक मनाली से अराउंड 30-40 किलोमीटर्स दूर एक विलेज है, टांडी विलेज, जो कि लद्दाख के रास्ते में पड़ता है, फिर वहाँ जाऊँगा। तो अभी तो मैं पराशर लेक वाले रास्ते में हूँ। यहाँ से पराशर लेक 83 किलोमीटर्स है, गूगल मैप बता रहा है 3 घंटे 8 मिनट लगेंगे यहाँ से जाने में। सो लेट्स गो, देखते हैं क्या है उधर का सीन, करने देते कैंपिंग वगैरह कि नहीं। देखो पानी भी पड़ने लग गया। एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि अगर हिल पे बाइक, अगर माउंटेन्स पे बाइक लेके जाते हो ना, जैसे जब शार्प टर्न आए ना, ऐसे शार्प टर्न, तो यहाँ पे ना थ्रॉटल छोड़ना ही नहीं, थ्रॉटल नहीं छोड़ना, कभी मत छोड़ना थ्रॉटल, थोड़ा सा थ्रॉटल देख ही रखना, वरना अगर जहाँ छोड़ा थ्रॉटल बाइक नीचे। मेरे साथ यही हुआ था दार्जिलिंग वाले ट्रिप पे, मैंने टोटल छोड़ दिया, बाइक नीचे गिर गई, तो बगल से लोग जा रहे थे, उन्होंने हेल्प करा बाइक उठाने में। जब भी शार्प टर्न आए चढ़ा रहे हो, टोटल थोड़ा सा टोटल देख ही रहना है, ज़रूरत नहीं है क्लच से कंट्रोल करो, टोटल छोड़ना नहीं है। तो अपडेट ऐसा है कि मैं पहुँच गया पराशर लेक, बट यहाँ भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो कैंप लगाना, मैं आया तो मैं पहले अंदर पूछा कि कैंप लगा सकते हैं, तो बहुत लोगों ने बोला नहीं नहीं अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। फिर मैं बात करने लग गया, एक बंदे ने बुलाया, बोला लगा लो, मेरे से बात करवा देना। तो अभी मैं कैंप लगाने वाला था, बारिश आ गई, तो मैंने अभी सामान इधर उधर रख दिया, तो बारिश ख़त्म होगा तो टेंट लगाएंगे आगे। लग नहीं लगी बारिश ख़त्म होगा आज, है ना, बहुत गलत प्लानिंग थी मेरी आने की, बहुत ही गलत प्लानिंग। तो मैं सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, तो अभी क्या है कि मैंने अपने साथ रेडी टू ईट फूड लेकर आया हूँ, जिसमें सिर्फ गर्म पानी डालना होता है, तो मैं अभी पानी गर्म कर रहा हूँ और इसमें पानी डालूँगा और ये बन के रेडी हो जाएगा।
shit. मैं सच बताऊं तो मैं यहाँ आया था माउंटेन्स के लेयर शूट करने, जो कि अगल बगल से दिखता है पूरा माउंटेन का लेयर है, बहुत सही, बट वेदर ही ख़राब है, बहुत सारे क्लाउड्स है तो लेयर दिख ही नहीं रहा, तो अभी यही पेड़ पौधे शूट करूँगा, और क्या, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अभी एक दो और दिख रहा है मेरे को, तो पेड़ पीछे में अगर यहाँ दिख रहा हुआ ये वाला, तो देखते उसका कुछ। यार मैं जब टेंट पिच कर रहा था ना, तो उसका मैंने टाइम लैप्स बनाया था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया और कैमरा गिर गया और पूरा पूरा फुटेज ख़राब हो गया यार। चलते थोड़ा फोटोग्राफी करते हैं, टेंट वेंट लगा लिए इधर, और अभी लाइट है, लाइट चली जाएगी तो लेयर्स नहीं दिखेंगे माउंटेन्स के, तो चलते एक शॉट भी वर्थ हो गया ना, मज़ा आ जाएगा। अगर ऑडियो में थोड़ा आवाज़ आ रही होगी ना, तो उसका रीज़न ये है यार कि मैं माइक लाना भूल गया, अब पूरा ट्रिप बिना माइक के जाएगा जो मैं गोप्रो यूज़ करता हूँ। कैसी गलती करते रहता हूँ मैं। तो आज हम शूट कर रहे हैं, ये माउंटेन है, और अगर यहाँ पे बादल ना होता ना, यहाँ पे धौलागिरी माउंटेन रेंज दिखता है, और अभी क्लाउड है ना तो नहीं दिख रहा। कैमरा बहुत सेक हो रहा है क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है। हाँ, जैसे यहाँ देखो, ये ग्रीन और रेड हो रहा होगा, मतलब ये हिल रहा है थोड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से मुझे फास्टर शटर स्पीड यूज़ करना पड़ रहा है, और एक पैनो ले रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली 5-7 शॉट्स का होगा, कोई लेयर्स में है, उसके बाद देखो छोड़ देखिए। तो मैंने अब उधर क्यों चलते, ऊपर ये मेरे को फॉलो कर रहा है, उधर चल रहा है ऊपर। अच्छा अच्छा, बहुत स्टीप है। हालत खराब होगी, ऐसे चल के आया मैं। अभी मैंने उसका पैनो लिया उस वाले का, अभी मेरे को एक ट्री दिखा है, ऐसा लोन ट्री है, और ये ना थोड़ा इधर की ओर झुका है ऐसे, तो मैंने इसको राइट ऑफ द फ्रेम रखा है क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ झुक रहा है, इसको मैं लाइक अगर इधर कर दूँ तो ये सही नहीं दिखेगा लेफ्ट वाले फ्रेम पे, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ झुका है, तो इसको मैं राइट ऑफ द फ्रेम रख रहा हूँ। एक पहले नॉर्मल फोटो लेके देखता हूँ, उसके बाद एक स्क्वायर में लूँगा, और क्या है कि अभी ना बहुत तेज़ हवा चल रहा है तो उसके पत्ते हिल रहे हैं, तो मेरे को फोकस में चाहिए, तो उसके लिए भी मेरे को थोड़ा लाइक फास्टर शटर स्पीड यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए सुबह बढ़ाऊँगा, अभी 100 है यार, कम से कम
100 तो सेकंड तो रखना ही पड़ेगा मेरे को लग रहा है। एक बार इसे फोकस चेक कर लूँगा देख करके 200 पे भाई। सो ये 200 पे ठीक ठाक दिख रहा है, देखते हैं ना। मेरे से बढ़िया सा पैनो भी दिख रहा है इधर। नहीं नहीं अभी पत्तों में मोशन है, थोड़ा थोड़ा और फास्टर शटर कर दो, शटर थोड़ा और फास्ट कर दो यार। 400 ISO भी 400 है, f/5.6 है। डिस्टेंस पे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा उतना। अभी ठीक है, अब सही आया। अब इसको एक स्क्वायर में देख दो। ओए इसको देखो, ये ना सा मेरा ट्राइपॉड हिला दे रहा बार बार। ओए पहला शॉट और प्रासर लेक में आने का ये बेस्ट टाइम नहीं है। मैं तो बोलूँगा ये वर्स्ट टाइम है आने का परासर लेक पे, क्योंकि अभी ना हरियाली है ना बर्फ़ है, कुछ नहीं है। विंटर में आओगे तो पूरा ये बर्फ़ से ढका होता है। आज से 2 महीने बाद आओगे तो पूरी हरियाली रहेगी। तो बेस्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा, अगर मैं इधर इस ओर आया फिर से तो एक बार फिर से परासर लेक आऊँगा, क्योंकि मेरे को बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर ये हरियाली रहेगी इस पर और बर्फ़ रहेगा ना, बहुत सही है इसे शॉट्स। अभी ना जो कुत्ते को मैं बोल रहा था तब से तंग कर रखा, तंग कर रखा, वो भी काम आ रहा है उसका ना। मैं एक शॉट ले रहा हूँ इसमें, उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। ऐसे बहुत 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 बढ़िया लग रहा है इसमें तो, मज़ा आ जाएगा ये शॉट। चलो हाँ इसकी वजह की ज़्यादा अंधेरा हो जाए, मैं जा रहा हूँ नीचे की ओर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अच्छा लगा तो यार कि थम्स अप। और अभी मैं रात को कैंप करूँगा और कुछ देखता हूँ, कुछ खाना वाना बनाऊँगा तो शूट करूँगा, वरना फिर कल मिलते हैं। सो बाय फॉर नाउ, बाय बाय।